फेमस यूट्यूबर ज्योतिका दिलेक और उनके पति रजत शर्मा आज अपनी शादी की सेकेंड मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कपल ने 2 महीने पहले ही 9 मार्च को शिमला के एक होटल में शादी की है। ज्योतिका और रजत ने आज बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। दोनों इस दौरान केक कट करते हुए नजर आए और एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए बधाइयां भी दी हैं। इस दौरान लिखते हैं, हैप्पी 2 मंथ ऑफ वेडिंग ज्योतिका दिलेक। तो वहीं ज्योतिका ने भी सेम तस्वीर पोस्ट करते हुए रजत को एनिवर्सरी विश की है। हाल ही में ज्योतिका की बहन रोहिणी दिलेक की शादी थी और पूरा दिलेक परिवार उनकी शादी में व्यस्त था। रोहिणी की शादी में भी रजत और ज्योतिका की जोड़ी खूब जमी। वैसे आपको बता दें, ज्योतिका और रजत का रिश्ता सालों पुराना है। भले ही दोनों ने शादी 2 महीने पहले की हो, लेकिन उनके प्यार की शुरुआत तो 10 साल पहले ही हो गई थी। दरअसल दोनों लंदन की एक यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ाई करते थे। खैर, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो वो कुछ अच्छी नहीं रही। पहले ही मीटिंग में दोनों किसी बात को लेकर डिसएग्री हो गए थे और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से 2 साल तक बात नहीं की। फाइनली 2 साल के बाद दोनों फिर मिले और इस बार उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। सबसे पहले प्यार की घंटी रजत के दिल में बजी थी और वो ज्योतिका के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके बावजूद रजत और ज्योतिका ने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। बस ये दिल से दिल की बात थी जिसे कभी एक्सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी पढ़ाई के दौरान दोनों ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और एक दूसरे के साथ वक्त कम बिता पाते थे। तभी दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार का एहसास हुआ और उसके बाद उन्हें लगा कि ये दोस्ती से कुछ ज्यादा है। फाइनली दोनों ने हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला किया। आपको बता दें, ज्योतिका दिलेक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो ट्रैवलिंग और फूड ब्लॉगिंग करती है। उन्हीं की तरह रजत भी कंटेंट क्रिएटर है और वो भी वीलॉगिंग करते हैं। दोनों की सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है। रजत और ज्योतिका ने शादी के बाद शिमला में अपना एक नया घर भी खरीद लिया है और वो दोनों उस नए घर में शिफ्ट होने को भी लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हम रजत और ज्योतिका को शादी के 2 मंथ एनिवर्सरी की बधाई देते हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।